हरे कृष्णा। आज मैं आपको इस फ्रॉक सेट के साथ का कैप बनाना बताऊंगी। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए सेट है। ये मैंने कैप बनाई हुई है, बहुत इजी है, देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। बिगनर भी इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने इस पे बो लगाई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको टू कलर से बनाऊंगी। इसके लिए सबसे इसमें मैंने 12 नंबर क्रोशिए का यूज़ किया है। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। उसकी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। टू चेन बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, धागे को खींच देंगे। नाइन मैंने बना लिया, हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 10, 11, 12, 12. अब हम इसको स्प्लिट स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, जो हमने चेन बनाई थी टू, वहाँ से इस तरह से। धागे को टाइट से खींच लेंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे। इसी चेन में वन डबल क्रोशिया, सेम चेन में टू डबल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। वन, एक चेन में हमें टू डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
इस तरह से। फिर से दो चेन बनाएंगे। अब हमें फर्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये इस तरह से। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशिया। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशिया, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइन कर देंगे सिल्वर स्टिच से, इस तरह से। ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है और 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं मेरे पास। फिर फर्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। फिर से 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। इस बार हम इस रो में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हैं। फिफ्थ रो में हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल। यहाँ मैंने हर एक रो चेन में 1 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से बना के पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है, स्लिप स्टिच से जॉइंट भी कर लिए हैं। 5 रो को रिपीट करते हुए हम नेक्स्ट 7 रो कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आगे हम सेम 5 रो की तरह ही बनाएंगे। 7 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारी टोटल 12 रो बनी है। ये बनाने में बहुत ही इजी है। इसमें मैंने बो लगाई हुई है, देखिए कितना सुंदर लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।